टेन ऑन टेन पेश करते हैं पंजाब के 10 सबसे बड़े शहर। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब, हेलो। पंजाब उत्तर भारत में स्थित एक रंग बिरंगा राज्य है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पंजाब के 10 सबसे बड़े शहर कौन से हैं। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक पूरा जरूर देखेगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर घंटी को क्लिक करना मत भूलिएगा। साथ ही नीचे कमेंट सेक्शन में ये भी बता दीजिए कि आप पंजाब के कौन से शहरों में जा चुके हैं। नंबर 10, पठानकोट। 10वें नंबर पर है पठानकोट, जिसको गुरु नानक देव जी ने बसाया था। पठानकोट में 196,000 लोग रहते हैं और यहाँ हर 1,000 पुरुषों के मुकाबले 906 महिलाएं हैं। पठानकोट में प्रति वर्ग किलोमीटर 8,869 लोग रहते हैं। पठानकोट में एक हवाई अड्डा है जो पठानकोट माजरा रोड के पास स्थित है, और यहाँ का रेलवे स्टेशन पठानकोट जंक्शन है, जो कि शास्त्री नगर में है। नंबर 9, बटाला। 9वें नंबर पर बारी आती है बटाला शहर की, जिसे लौह उद्योग की वजह से एशिया की आयरन बेल्ट भी कहा जाता है। बटाले की आबादी 198,000 की है, जिसमें हर 1,000 पुरुषों पर महिलाओं का अनुपात 897 है। इस शहर की आबादी का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर 5,409 का है। बटाला शहर में कोई हवाई अड्डा नहीं है और यहाँ का रेलवे स्टेशन प्रेम नगर में स्थित बटाला जंक्शन है। नंबर 8, होशियारपुर। 8वां पायदान संभाला है होशियारपुर ने, जिसको साधु संतों की भूमि कहा जाता है। होशियारपुर में बसते हैं 206,000 लोग, जिनमें हर 1,000 पुरुषों पर औरतों की संख्या 910 है। होशियारपुर में हर वर्ग किलोमीटर में 5,886 लोग रहते हैं। होशियारपुर का हवाई अड्डा अदमपुर इलाके में बना हुआ है और रेलवे स्टेशन मानवता नगर में बना होशियारपुर रेलवे स्टेशन है। नंबर 7, बठिंडा। 7वें नंबर पर आता है बठिंडा, जिसको बंदूक और हिम्मत वालों का शहर कहा जाता है। बठिंडा की जनसंख्या 3,68,000 की है। इस शहर में हर 1,000 पुरुषों का साथ देती हैं 887 महिलाएं। बठिंडा में प्रति वर्ग किलोमीटर बसते हैं 5,372 नागरिक। बठिंडा का हवाई अड्डा विर्क कलान क्षेत्र में है और यहाँ का बठिंडा जंक्शन मॉल रोड के पास स्थित है। नंबर 6, पटियाला। 6ठे नंबर का स्थान हासिल किया है पटियाला ने, जिसको एक शाही शहर माना जाता है। पटियाला घर है 5,99,000 लोगों का, जिनमें प्रति 1,000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 890 है। पटियाला में प्रति वर्ग किलोमीटर करीब 8,500 लोग गुजर बसर करते हैं। पटियाला का एयरपोर्ट तारापुर एनक्लेव में है, जबकि पटियाला का रेलवे स्टेशन राजपुरा कॉलोनी के पास है। नंबर 5, मोहाली। पंजाब का मोहाली शहर आता है 5वें नंबर पर, जिसका ऑफिशियल नाम साहिबजादा अजीत सिंह नगर है। मोहाली की आबादी 6,46,000 की है, जिनमें हर 1,000 पुरुषों पर 910 औरतें हैं। मोहाली में प्रति वर्ग किलोमीटर 9,450 नागरिक रहते हैं। मोहाली का हवाई अड्डा ज्योरहरी में है, जिसका नाम शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, और रेलवे स्टेशन मोहाली के फेज 9 में बना SAS नगर रेलवे स्टेशन है। नंबर 4, जलंधर। जलंधर की बारी आती है 4थे नंबर पर, जहां खेल कूद के सामान के कई कारखाने हैं। जलंधर में आशियाना है 10,54,000 लोगों का। यहां पर हर 1,000 पुरुषों के मुकाबले 886 महिलाएं हैं। जलंधर का हवाई अड्डा जलंधर और होशियारपुर के बीच अदमपुर में है, और रेलवे स्टेशन जलंधर सिटी जंक्शन है, जो अर्जुन नगर में है। नंबर 3, चंडीगढ़। 3रे नंबर पर है चंडीगढ़, जो पंजाब की राजधानी है और जिसे द सिटी ब्यूटीफुल भी कहा जाता है। इस साफ सुथरे शहर में बसे हुए हैं 11,48,000 लोग, जिनमें 1,000 पुरुषों पर औरतों की संख्या 818 है। चंडीगढ़ में हर वर्ग किलोमीटर में 10,862 लोग रहते हैं। चंडीगढ़ और मोहाली का एयरपोर्ट एक ही है, और चंडीगढ़ का रेलवे स्टेशन चंडीगढ़ जंक्शन दारिया इलाके में है। नंबर 2, अमृतसर। 2रे नंबर पर है अमृतसर, जिसका पहले नाम रामदासपुर हुआ करता था। स्वर्ण मंदिर वाले इस शहर में रहते हैं 13,77,000 लोग, और यहाँ पर हर 1,000 पुरुषों पर 884 महिलाएं हैं। अमृतसर में प्रति वर्ग किलोमीटर आबादी का घनत्व 10,125 का है। श्री गुरु रामदास जी एयरपोर्ट यहाँ का हवाई अड्डा है, जो राजा सांसी क्षेत्र में है, और अमृतसर जंक्शन रेलवे स्टेशन गुरु अर्जुन नगर में है। नंबर 1, लुधियाना। लुधियाना आता है पहले नंबर पर, जिसे पंजाब की आर्थिक राजधानी माना जाता है। लुधियाना में प्रति 1,000 पुरुषों पर 851 महिलाएं हैं।
और यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर 11,652 नागरिक रहते हैं। लुधियाना में 2 हवाई अड्डे हैं जो साहनेवाल और हलवारा में हैं, और रेलवे स्टेशन सिविल लाइंस में है। लुधियाना में रहते हैं 18,57,000 लोग। और अब आपको बताना है कि इन सारे 10 शहरों की आबादी को जोड़कर क्या संख्या बनती है। देखें आप में से कौन सही उत्तर दे पाता है। जवाब देने के बाद हमारा अगला वीडियो भी जरूर देखेगा।